हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 10fasterfinger.com पर हिंदी की टाइपिंग करके बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये जो टाइपिंग कर रहा हूँ वह विंडो 10 के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो पर कई कमेंट आए थे कि विंडो 10 पर यह वेबसाइट सही से वर्क नहीं करती है। तो दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में भी यह वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, तभी आप अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर 10fasterfinger.com में हिंदी में टाइप कर पाएंगे। दोस्तों, आप यह टाइपिंग हिंदी के रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट दोनों में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा टाइप करके देखते हैं कि इसमें क्या समस्या हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर हम भारत टाइप करेंगे और यह टाइप भी हो जाता है, पर आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ ग्रीन नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में सही से फॉन्ट सेट होगा तो यहाँ पर ग्रीन हो जाता है और आपकी स्पीड भी यह सही ढंग से बताता है। तो यहाँ पर आपका यह जो हाइलाइटर है वह आगे भी नहीं खिसक रहा है और ग्रीन भी नहीं हो रहा है, ना ही रेड हो रहा है। तो आइए अब इस समस्या का निवारण के लिए हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, तो मैं बताता हूँ आपको किस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गूगल पर टाइप करेंगे bhashaindia.com। यहाँ पर भाषा इंडिया डालकर हम सर्च कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है हमको वह ओपन करना है। इसके बाद हमारे सामने यह पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर हमें कौन सा टूल लेना है मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, आपको इंडिक इनपुट 2 लेना है। दोस्तों, वैसे तो यह टूल विंडो 7 के लिए बनाया गया था, पर यह विंडो 10 पर भी सही से वर्क कर जाता है। तो यहाँ पर हम 64 बिट का हिंदी वाला टूल ले लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे हिंदी लिखा है हमें वही डाउनलोड करना है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आप 32 वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, और 64 बिट का है तो यह वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। तो मेरा लैपटॉप 64 बिट का है और यहाँ पे ओके कर देना। तो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से एक जिप फाइल आपके सामने आएगी। आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका फोल्डर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना होगा और ओके पर क्लिक करना होगा, जिससे आपके सामने इस प्रकार का एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यह जो सेटअप हमें दिख रहा है उसको हम रन कर देंगे। ऊपर वाली फाइल रन करनी है, हिंदी इंडिक इनपुट 2। यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, यह अब इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, यह पहले से ही मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो यह ऑप्शन आ रहा है, आपके में यह ऑप्शन नहीं आएगा और आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना। मैं अब इसको अभी फिनिश कर दे रहा हूँ रिपेयर करके। तो देखिए, इंस्टॉल हो रहा है मेरे कंप्यूटर में। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम में मंगल फॉन्ट भी सही से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा और यह टाइपिंग इंडिया में वर्क भी सही ढंग से नहीं करेगा। सॉरी, 10fasterfinger में मैंने टाइपिंग इंडिया बोल दिया। तो दोस्तों, इसके बाद आपको एक सेटिंग और करनी पड़ेगी। आपको अपने लैपटॉप की लैंग्वेज सेटिंग में जाना होगा, जिसके लिए आप अपने लैपटॉप के जो सर्च बॉक्स होता है उसमें टाइप कीजिए लैंग्वेज सेटिंग। जी हाँ, यह है लैंग्वेज सेटिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए।
तो जब हम लैंग्वेज सेटिंग खोलेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलकर हमारे सामने आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है स्पेलिंग टाइपिंग एंड कीबोर्ड सेटिंग। उसके बाद हमें अपने स्क्रॉल बार से नीचे आना है और यहाँ पर एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पर यह दो ऑप्शन देख रहे हैं चेकबॉक्स, इन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने पर दोस्तों आपके टास्क बार में एक EN लिखा आ जाएगा नीचे की ओर, वहां पर यह ऑप्शन शो कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको इस ऑप्शन में पहुंचने में कठिनाई हो रही है तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। इसके लिए पहले मैं इस ऑप्शन के होम पर चला जाता हूं, सॉरी फिर से मैं सेटिंग खोलता हूं, लैंग्वेज सेटिंग। तो दोस्तों आपको जो मैंने अभी ऑप्शन बताए थे कि इस पर क्लिक करके फिर जाते हैं, तो अगर आपको सीधा पहुंचना हो तो आप यहाँ पर जो सर्च बॉक्स दिख रहा है वहां पर एक सेंटेंस टाइप कीजिएगा। मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ क्या करना है टाइप। जी हाँ, आपको ये वाला सेंटेंस टाइप करना होगा, ओवरराइड फॉर डिफॉल्ट इनपुट मेथड। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो देखिए सीधा एडवांस कीबोर्ड सेटिंग हमारे सामने आ गई है और आप इन दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देना। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट पर 10fasterfinger.com। यहाँ पर हमें हिंदी में टाइप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके हिंदी सेट करना होता है। अगर आपके में सेट नहीं है तो आप यहाँ से हिंदी सेट कर लेना। उसके बाद आपके सामने पैराग्राफ आएगा, पर अभी आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश में टाइप होगा। इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले जो आपकी टास्क बार में EN लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना और शो द लैंग्वेज बार पर क्लिक करना। जब आप EN पर क्लिक करके शो द लैंग्वेज बार पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये आपको बार एक दिखेगा, देखिए आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको यह ऊपर नहीं दिख रहा है तो अपनी टास्क बार के नीचे दिखाई देगा EN के रूप में। तो आप EN पर क्लिक करते शो द लैंग्वेज बार पर क्लिक करना तो इधर पर आ जाएगा भाई, ऊपर की साइड आ जाएगा या नीचे रहेगा। तो आप अब इस पर क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करना और हिंदी इंडिया पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको इसके बगल में जो दिख रहा है वहां पर क्लिक करके हिंदी इंडिक इनपुट 3 या 2 पर, सॉरी 2 पर ही क्लिक करना है आपको, अगर आपको 10fasterfinger.com पर हिंदी में टाइप करना है तो आप हिंदी इंडिक इनपुट 2 पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद भी अगर एक सेटिंग और करनी है, ये जो सेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड पर क्लिक करना है। अब देखिए अगर आप हिंदी रेमिंगटन गेल में टाइप करते हैं तो रेमिंगटन गेल पर क्लिक कीजिए, हिंदी इनस्क्रिप्ट पर टाइप करते हैं तो इनस्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिए, रेमिंगटन CBI पर करते हैं तो CBI पर क्लिक कर दीजिए। मैं गेल पर करता हूं तो हिंदी रेमिंगटन गेल पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों अब इस सेटिंग को करने के बाद अगर आप टाइप करेंगे तो आपका सही से टाइप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को अभी क्लोज मत करना, क्योंकि एक चीज बताना और बाकी है, उसके बिना आपकी सही से टाइपिंग नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको यह टाइप करके बताता हूं जरा। सॉरी मेरा अभी फिर से अटक गया है, मैं इसको सेट कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने सही टाइप किया है तो यह ग्रीन हो जा रहा है और आपका जो हाइलाइटर है वह आगे भी बढ़ रहा है।
तो दोस्तों मैं जो बात बोलने चाह रहा था कि एक बात आपको और बतानी है दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पर, इस वेबसाइट को जिस वेब ब्राउजर पर खोलना है यह बताना अभी बाकी रह गया है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको इसको किस वेब ब्राउजर पर खोलना है। तो दोस्तों आपको इस वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स पर खोलना है। जी हाँ, मैं आपको मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करने का लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर डाउनलोड पर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में यह सॉफ्टवेयर का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको रन कर लेना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा। आपको जो भी समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।